जय सियाराम। तो दोस्तों, दो पंक्तियां मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अहंकार के कारण रावण पूज्य नहीं बन पाया है, इसे भस्म कर दो इस अग्नि में, बाकी सब मोह माया है। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आज हम अपनी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में आए हैं रावण दहन देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे रावण का बहुत बड़ा पुतला दिखाई दे रहा है, जो कि बुराई का प्रतीक माने जाते हैं। और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है रावण को जलाने के लिए, क्योंकि हम समाज में रावण को एक बुराई के रूप में मानते हैं और इसलिए उसका दहन किया जाता है। कि यहाँ भी असत्य पर जो सत्य की विजय का ये जो पर्व मनाया जाता है, जिसको विजयदशमी कहा जाता है। तो हमारे साथ में यहाँ पर आंटी भी हैं, और जैसा कि हमने आपको पुरानी वीडियो दिखाई थी अपनी, जो कि लास्ट वीडियो थी, जो कि यहाँ पे डांडिया हुआ था, तो उसमें आंटी ने अपना बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। आंटी और आंटी टीम को भी हम थैंक्स बोलना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिए। तो थोड़ी देर में रावण दहन होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, और यहाँ पे आतिशबाजी होगी, तो बीच बीच में हम वो भी आपको दिखाते रहेंगे, और इसके साथ साथ कुछ और भी आपसे बातें करेंगे। तो बस आप हमारे साथ में बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे भी हैं यहाँ पर, तो बस एक बार बोल दो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो, अब बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भी घबरा रही है। दोस्तों, आप हमारे पीछे देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है और लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और अभी बस थोड़ी देर में रावण दहन होने वाला है, क्योंकि अभी पूजा चल रही है, तो बस पूजा भी खत्म होने वाली है और उसके बाद में हम आपको रावण दहन दिखाएंगे। तो वैसे तो बहुत ज्यादा उत्साह है यहाँ पे, बहुत भीड़ है और अभी बस रावण दहन होने ही वाला है, तो वो भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और एक बार सभी बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। चलो आ जाओ, हो गया हो गया हो गया, उधर स्टार्ट। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं जो रावण दहन है, बस वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। जय सियाराम। दोस्तों, सबसे पहले रावण के भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाथ का दहन किया जा रहा है, क्योंकि ये भी बुराई के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद में रावण का दहन किया जाएगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस आप हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, चंद्र भगवान की जय, श्री राम चंद्र भगवान की जय। बस अब रावण दहन होने वाला है, और आज इस अवसर पर आप भी एक प्रण करें कि हाँ भी रावण दहन हो चुका है, तो आज आप इस अवसर पर एक प्रण करें कि हाँ भी हम अपने अहंकार को त्यागेंगे, क्योंकि रावण सर्वगुण संपन्न था, बहुत बड़ा बलशाली था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन अपनी एक बुराई की वजह से वह सदियों तक जलता रहेगा और सदियों से जलता रहा है। तो बस आज आप
इस त्यौहार पर प्रण करें कि हाँ भी एक कमी को आज आप दूर करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम। बिल्कुल त्यागी जी, अभी भी लगे हुए हैं शूट करने के लिए, पूरी तरह जल चुका है और रावण के जलने के साथ साथ इसकी बुराई भी जल चुकी है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। ये हमारे बहुत जैसे कि आपको पता है रावण के अंदर कुछ कमियां थी, इसीलिए रावण को आज जलाया जाता है, तो रावण को तो जला दिया है। अभी मैं पूछूंगी आप लोगों ने आज कौन सी कमी को, आपके अंदर अगर कोई बुराई है कौन सी बुराई को आप त्यागने वाले हो, तो आप बताइए आंटी। सीतारण किया था। रावण के अंदर बुराइयां थी ना बहुत ज्यादा, वो विद्वान भी था बट उसका जो पंडित था वो बट वो अहंकारी था, इसलिए उसको जलाया है। तो आप भी तो आप बताइए। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल सही कहा, सत्य की हमेशा जीत होती है। बट ये जो रावण दहन हो रहा है इससे हम क्या सीख रहे हैं कि आज के दिन हमें भी अपनी किसी बुराई को त्यागना चाहिए। तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि कौन सी बुराई को आज आप त्याग रहे हो, रावण के साथ साथ कौन सी बुराई को आप भी जलाना चाह रहे हो? मन से कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य की तरफ ही बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आंटी आप सबके संग प्यार से रहना चाहिए, सभी के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। हाँ भाभी आप। सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा अच्छा बस एक चीज बताओ, किसको जलाया आज यहाँ पे? आज किसको जलाया यहाँ पे? इसका मूड नहीं है कि अगर हमारा मन साफ है और हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। तो अपनी उन्नति अपनी विकास के साथ साथ हमें दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना है। तो बस बाकी सब नुमाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्र की जय। ये बुराई को पीटने के लिए आई है आज आप। तो इसको क्यों लेके जाते हो आप? इसको हम ये मानते हैं इससे हमारे घर में बुराइयां दूर रहती है, इस चीज से लेके हम घर के अंदर ऊपर छत पे डाल देते हैं, इनकी अस्थियां लेके जाते हैं हम घर पे। तो दोस्तों काफ़ी मान्यताएं हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूं कि हमें जब तक हम उस चीज़ को व्यवहार में अमल में नहीं लाएंगे तब तक हम अपने में सुधार नहीं कर सकते हैं। आई एम किंशु अग्रवाल, हैप्पी दशहरा टू ऑल, सत्यमेव जयते, एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो द किंशु अग्रवाल। मेरी दादी हैं ये बिना जिंदल। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मतलब हमें आंटी जी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनका जो नेचर है बहुत ज़्यादा अच्छा है वो, और हर जो प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती हैं और दूसरों को भी लेके चलती है, सबसे बड़ी बात है इनकी, क्योंकि देखो टीम लीडर, तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब इनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टीम को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम इनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि भगवान इनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और इसी तरह से मतलब ये प्रोग्राम करती रहें और हमको भी साथ में लेके चलती रहें। ज्योत्सना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर, तो मैं सबसे यही कामना करूंगी कि सबके जीवन में खुशहाली हो, सबके बच्चों की उन्नति हो, और जो 9 दिन हमने जो कार्यक्रम किया नवरात्रा पे, वैसा कार्यक्रम मैंने इतनी अब तक अपनी पूरी लाइफ में मैंने नहीं देखा, इतना शानदार हमारे रिद्धि सिद्धि परिवार का कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में वीना भाभी और रेखा जी, किरण जी और मेरी अन्य बहनें और फ्रेंड्स जो जितने भी थी, बहुत हमने इन्जॉय किया, बहुत 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 इन्जॉय किया। और इसी इन्जॉय को लेते हुए हम अपने जीवन में इतनी समृद्धि प्राप्त करें, इतनी खुशहाली प्राप्त करें, हर बच्चे हर घर का बच्चा इतना खुशहाल हो और हर बच्चा अपनी मंजिल को प्राप्त करे। मैनी मैनी थैंक्स दोस्तों। इस अवसर पर वीना जिंदल जी अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ में उपस्थित रही। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, ये रिद्धि सिद्धि के कार्यक्रम की बैकबोन है। मतलब ये कोई भी कार्यक्रम होता है ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हर प्रोग्राम में इसी तरह से अपना सहयोग देते हैं। लकड़ी लेने आयो? मैं कर दूँगी थोड़ा।